हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल सा मैंगो सूजी केक और इसको हमने स्टीम करके बनाया है। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप दूध, दही, मिल्क पाउडर, 1 कप सूजी और इनो, साथ में फ्रेश मैंगो का मीठा वाला गुदा। और इस केक के बैटर को हम एक मिक्सर जार में बनाएंगे। तो एक बड़े जार में हम आम का गुदा डालेंगे, सूजी डालेंगे, साथ में 1/2 कप शक्कर है और दूध को 2 बार में करके डालेंगे, दही है और ये मिल्क पाउडर की जगह मैंने बच्चों के दूध में जो डालते हैं वो यूज़ किया है, वेनिला एसेंस। और इसको हम एक बार अच्छे से चला देंगे। इसके बाद जो हमने दूध रोक के रखा था उसको डाल दें, साथ में 1 चम्मच ऑयल भी डाल दें और बैटर को अब हम रेस्ट करने के लिए 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। ऐसा करने से सूजी अच्छे से फूल जाएगी और 1/2 घंटे बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम सही है। और अब हमें इसको बस स्टीम करना है। तो इनो हम डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दूसरी साइड में मैंने एक बड़े बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया है और ये हमारा स्टीमर के लिए है। आप देख सकते हैं कि बैटर बहुत फूल गया है और जो कपकेक के मोल्ड आते हैं उनको हम भर लेंगे इससे। जो लोग मैदा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते तो वो ये सूजी केक बना के देखेंगे, ज़रूर पसंद आएगा और बहुत जल्दी भी बन जाता है क्योंकि हम इसको स्टीम करते हैं। तो बस 15 से 20 मिनट में ही केक रेडी हो जाएगा और जो बचा हुआ बैटर है उसको हम फ्रिज में रख देंगे अगले बैच के लिए। हल्का सा टैप कर लें और ऊपर से टूटी फ्रूटी गार्निश कर दें। स्टीम करने के लिए एक जाली वाली प्लेट ले लें और उसमें हम ये कपकेक के मोल्ड्स को रख देंगे। ध्यान रहे कि थोड़ा स्टीम सब तरफ से बराबर से लगे। और इसको अब हम कढ़ाई के ऊपर रख देंगे। पानी बहुत अच्छे से उबल रहा है, अच्छी भाप आ रही है इसमें। और स्टीम करने के लिए इसको ढक के रख दें, एक थाली को उल्टा करके 15 से 20 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद एक बार ज़रूर चेक कर लें। और ये 20 मिनट बाद जब मैंने इसको खोला है दोबारा तो आप देख सकते हैं ये कपकेक बिल्कुल रेडी है और अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो बस इसको थोड़ा सा ठंडा करें और सर्व कर लें। ये मैंगो सूजी केक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और बच्चों को ज़रूर पसंद आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।